Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स so, इस वीडियो मॉड्यूल में हम आज बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में और सिविल इंजीनियर्स को क्या क्या सैलरी ऑफर की जाती है इन प्राइवेट सेक्टर द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल सो वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर्स के सैलरी एक्सपेक्टेशन को जानने से पहले पहले यह जान लेते हैं कि सिविल इंजीनियर की सैलरी किन किन सेक्टर्स पर डिपेंड करती है

सो so, आपकी जो सैलरी कंप्लीटली डिपेंड करता है अपॉन द डेजिग्नेशन विच यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सब हेड ऑपरचुनिटीज ऑफर्ड बाय सिविल कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी टू सिविल इंजीनियर एक सिविल इंजीनियर को सिविल कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती हैं लेट्स इट आउट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स स्टेट लेवल सेमी गवर्नमेंट कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स Public sector companies, civil services such as IES, IPS, IFS, and many more, higher studies in India, higher studies abroad, self employment or startup, private company jobs, and last one is corporate jobs. So engineers, let's move on to our next subhead, which is designation offered by civil corporate community to civil engineers. कि एक सिविल कॉर्पोरेट कम्युनिटी में एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या डेजिग्नेशन ऑफर किए जाते हैं जिसमें फर्स्ट वन है साइट इंजीनियर सेकेंड है स्ट्रक्चरल इंजीनियर थर्ड वन इज डिजाइन इंजीनियर फोर्थ वन एस्टिमेशन इंजीनियर दैन नेक्स्ट वन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर दैट इज क्यू एंड क्यू इंजीनियर फिर है बी इंजीनियर फिर है सर्वेयर फिर है बिलिंग इंजीनियर देन प्रोजेक्ट इंजीनियर देन जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ इंजीनियर एंड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ये वो सारे डेजिग्नेशन हैं जो सिविल इंजीनियर को सिविल कंस्ट्रक्शन बॉडी में ऑफर किया जाता है इन सारे डेजिग्नेशन में कुछ डेजिग्नेशन ऐसे है जिसमें आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड द सम ऑफ समेजिग्नेशन विल एक्चुअली रिक्वायर अ एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर अगर तो मैं बात करूं फ्रेशर सिविल इंजीनियर के कौन कौन से डेजिग्नेशन है उसमें साइट इंजीनियर है आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर फ्रेशर है अगर आप फ्रेशर हैं बट डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो डिजाइन इंजीनियर फ्रेशर के लिए भी जॉब अवेलेबल है मार्केट में फिर है एस्टिमेशन इंजीनियर फिर है बी इंजीनियर अब बात करते हैं एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें है बिलिंग इंजीनियर क्यू एंड क्यू सी इंजीनियर सर्वेयर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ये सारी जो पोस्ट हैं उनमें एक्सपीरियंस तो मस्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है सो so, इंजीनियर्स चले जानते हैं कि सैलरी एक्चुअल में कितनी एक्सपेक्ट की जाती है और कितनी मार्केट में अवेलेबल है फॉर अ सिविल इंजीनियर सो लेट मी रीड आउट फॉर यू सैलरी एक्सपेक्टेशन और ऑफर सैलरी सो फर्स्ट वन है हमारा सैलरी ऑफर टू फ्रेशर सिविल इंजीनियर फर्स्ट वन है हमारा कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को क्या सैलरी ऑफर की जाती है सो लेट मी रीड आउट फॉर यू salary pay scale of a fresh civil engineer is not much in comparison with an experienced civil engineer because civil engineers require experience in construction field because quality and safety are the major concern एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर की सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती इन कंपैरिज़न विद एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है आपने एक बार कोई एग्जीक्यूट करवाया है तो वो एक्यूरेट ही होना चाहिए क्योंकि उससे अगर आप वापस डिमोलिश करेंगे तो उतना ही अमाउंट आपको वापस चार्ज करना पड़ेगा सो सिविल इंडस्ट्री में बैक स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारी फील्ड में सेफ्टी एंड क्वालिटी ये दो मेजर कंसर्न है जिनको हमेशा फॉलो किया जाता है सो so, इन दो मेजर फैक्टर के साथ हम कोई भी लाइजेंस नहीं दिखा सकते अब जानते हैं कि सैलरी क्या ऑफर की जाती है फ्रेशर सिविल इंजीनियर को सैलरी ऑफर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज रेंजेस बिटवीन 8,000 थाउजेंड टू टेन थाउजेंड पर मंथ टू फ्रेशर सिविल इंजीनियर एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को प्राइवेट कंपनीज की मैं बात करूं तो सैलरी जो रेंज करती है वो 8,000 थाउजेंड टू टेन पर मंथ ही होती है और ये डिपेंड कर सकता है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं अगर एच के बजट में है कि वो आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देता है तो वो भी तभी करेगा वेन यू परफॉर्म वेरी गुड इन योर इंटरव्यू राउंड और ये फैक्ट और है कि सिविल इंडस्ट्री में फ्रेशर सिविल इंजीनियर की जो सैलरी है वो अदर ब्रांचेस जैसे मैं बात करूँ आई फील्ड की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की तो वहाँ की सैलरी फ्रेशर सिविल इंजीनियर की हाई होती है इन कंपैरिजन विद द सिविल इंजीनियर विच इज अ फ्रेशर वन सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड सब हेड एक सिविल इंजीनियर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो की है पीओस्यू उसमें कितनी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है लेट्स रीड आउट पीएस्यूज लाइक एल एन टी लार्सन एंड टर्बोन पी एस यूज है वर्ल्ड सो लार्सन एंड टर्बो पेख पर एनएम टू फ्रेशर बट गेटिंग जॉब इन एल एन टी इज रेली हार्ड सो लार्सन एंड टर्बोश सिविल इंजीनियर को फोर टू फाइव लैख पर एनएम की जॉब ऑफर करता है बट एल में जैसा कि आपको पता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट लेना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क आप इंटरव्यू में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके चांसेस उतना ही ज़्यादा हो जाएंगे एल में इंप्लॉयमेंट लेने के सो एल एन टी जनरली हायर्स फ्रॉम कैंपस इंटरव्यू आप सबको पता है एल एन टी कैम्पस इंटरव्यू कॉलेजेस में जा जा इंटरव्यू लेके ही कैंडिडेट को हायर करती है और सेकेंड ऑप्शन ये है यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई थ्रू द गेट एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं तो एल एन टी गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है थ्रू इंटरव्यू राउंड सो कैंपस इंटरव्यू एंड गेट एग्जामिनेशन दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स विच विल हेल्प गेट इम्प्लॉयमेंट इन लार्सन एंड टर्वो

गवर्नमेंट बॉडी में सिविल इंजीनियर को कौन कौन सी डेजिग्नेशन प्रोवाइड करवाई जाती है अलोंग विद द सैलरी एक्सपेक्टेशन सो गवर्नमेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डेजिग्नेशन है वो है स्टेट जूनियर इंजीनियर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एंड आई ई एस इंजीनियर इसमें हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पर भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं बट हियर वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टेट जूनियर इंजीनियर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर और आई ई एस इंजीनियर सो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट जूनियर इंजीनियर की गवर्नमेंट बॉडी में इंजीनियरिंग फील्ड में स्टेट जूनियर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर सबसे लोअर रैंक की जॉब होती है इसमें जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है जो रेंज करती है वो थर्टी थ्री थाउजेंड टू फोर्टी टू थाउजेंड पर मंथ और ये डिस्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं क्योंकि हर स्टेट का जो क्राइटेरिया है वो टाइम टू तो टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि रूल और रेगुलेशन वेरी करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग क्योंकि पांच साल के पीरियड में कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर रूल कर रही है तो उनके क्राइटेरियाज अलग होंगे अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी चेंज हो जाती है तो वो अपने रूल और रेगुलेशन अलग विद तो क्राइटेरिया वो सब चेंज हो जाते हैं सो so, ये जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो वेरी करता है बट ऑन एन एवरेज थर्टी थ्री टू फोर्टी थाउजेंड पर मंथ मिलता ही मिलता है स्टेट जूनियर इंजीनियर को आफ्टर हिज और हर प्रोबेशन पीरियड सेकेंड टाइप ऑफ जॉब है जो ऑफर की जाती है बाई गवर्नमेंट वो है स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की आफ्टर सेवन पे ग्रेड अनाउंसमेंट सेवन पे ग्रेड अनाउंसमेंट के बाद स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर की जो सैलरी है वो रेंज कर रही है अभी फोर्टी टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ ये भी उसे तब मिलती हैं जब वो प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लेता है और इसमें भी यही क्राइटेरिया ये भी स्टेट टू तो स्टेट वेरी करती है सो इंजीनियर लेट अवर थर्ड टाइप ऑफ जॉब ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट टू अ इंजीनियर वो है आई ई ईएस इंजीनियर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज गवर्नमेंट बॉडीज में ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक जॉब है जो एक इंजीनियर को ऑफर की जाती है इसमें भी आफ्टर सेवन पे ग्रेड अनाउंसमेंट जो सैलरी रेंज कर रही है वो फोर्टी टू सिक्स सेवन थाउजेंड पर मंथ इसमें भी बहुत सारे पर्क मिलते हैं अलॉन्ग विद ऑल द थ्री जॉब प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट बॉडीज बट इसमें एक और कंडीशन है जितनी ज्यादा सैलरी हो उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्डअप होती है सो सो मोर मोर द द सैलरी विल इन इस वीडियो के थ्रू आपने जाना कि सिविल इंडस्ट्री में क्या क्या पोस्ट होती हैं और क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है वेदर इट इज अ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग मोर नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर टिल देन बी बी सेफ हेल्दी जय हिंद जय भारत